हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में सीखेंगे। और क्या सीखेंगे कि जैसे आप जब भी कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं तो बार बार कमेंट बॉक्स में ये आ रहा था मेरे को कमेंट कि सर कॉम्बो बॉक्स बना रहे हैं तो मेरा दो ही ऑप्शन शो कर रहा है, आपके में तीन ऑप्शन शो कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक स्टाइल में काम करना पड़ेगा। अब ये देखिए एक टेबल मैंने बना रखी है, इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे मैंने बनाया। ये देखिए एक फील्ड है आईडी, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, और आईडी को मैंने ऑटो नंबर रखा है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम को शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। अब मेरे पास एक ही टेबल है, ठीक है, देख लीजिए सिर्फ एक टेबल है मेरे पास। कई लोगों का ये कहना है कि सर आप बहुत सारे रिलेशनशिप क्रिएट करा देते हो इसलिए आपका वो तीन ऑप्शन खुल करके आ जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप भी हो सकती है एक वजह, लेकिन आप एक टेबल को लेकर के जब फॉर्म बनाएंगे तो भी वो ऑप्शन आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन नहीं आएंगे। कब नहीं आएंगे और कब आएंगे वो बता देता हूं। यहां पे देखिए ये एक टेबल है, अब हमें क्रिएट पे जाना है। अब करते क्या है गलती हम कि डायरेक्टली हम कहां जाते हैं, सीधा चले जाते हैं, है ना, कोई फॉर्म हमने बनाया नहीं है अभी, अभी हम एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, क्रिएट पे चलते हैं और यहां से हम गलती कहां करते हैं कि फॉर्म डिजाइन पे चले जाते हैं और यहां से फॉर्म को डिजाइन करके फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो यहां पे आईडी ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया और जो भी सेटिंग आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर ये लेने के बाद इसको सिलेक्शन में लेता हूं, थोड़ा सा नीचे सेटअप करता हूं इसको और फिर यहां से कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक कर देता हूं डायरेक्टली और यहां पे आ जाता हूं। तो यहां पे आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये इस तरह से आ रहा है। आप जब भी आप इस पर जाएंगे ऐसे और यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, आपको तीसरा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अभी डिजाइन मत कीजिए फॉर्म को। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं, हटाता हूं। अभी हमें क्या करना है, फॉर्म डिजाइन पे नहीं जाना। अच्छा, अगर ब्लैंक फॉर्म लेते हैं तो क्या होगा, तो ये ब्लैंक फॉर्म लिया हमने, यहाँ पे आए, डिजाइन कर दिया, डिजाइन व्यू पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे आईडी ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, ये तीनों ले लिया हमने। ठीक है, यहां से इसे ऊपर कर लेता हूं और यहां पे कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं ये क्रिएट पे चल के फिर हमें क्या करना है, क्रिएट पर जाने के बाद यहां से डिजाइन पे चलता हूं और फिर यहां से कॉम्बो बॉक्स लेता हूं। तो यहां पे जैसे ही जाएंगे हम तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर भी दो ही ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो यहां पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहां से अभी सीधा आ जाना है कहां पे, इसको पहले मैं ऐसे कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, क्लोज कर देता हूं, क्रिएट पे आ गए, फिर फॉर्म विजार्ड पे आ जाइए। ठीक है, या तो मोर फॉर्म पे आ जाइए या तो फॉर्म विजार्ड पे आ जाइए। ठीक है, तो ये फॉर्म मोर फॉर्म पे आता हूं और डेटा शीट व्यू में ले लेता हूं इसको। तो ये डेटा शीट व्यू में ले लिया हमने, अब इसको डिजाइन व्यू पे लेता हूं, ये डिजाइन व्यू पे आ गए हम। अब ये देख सकते हैं इस तरह से आया हुआ है। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसको मैं छोटा कर लेता हूं, यहां से काफी बड़ा है ये, इसको छोटा कर लिया। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्शन में लेके इसको थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूं, ये शिफ्ट किया और अब यहां से क्रिएट पे चल के और फिर डिजाइन पे आके और यहां से कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूं, कॉम्बो बॉक्स ले लिया। तो यहां पे देख सकते हैं कि अब ये तीनों ऑप्शन आपको दिखाई पड़ने लगे हैं। पहला ऑप्शन है आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, और दूसरा ऑप्शन है आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, और तीसरा ऑप्शन है फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन बाय फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माय कॉम्बो बॉक्स। तो ये तीनों ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आएगी तो तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है वो भी दिखा देता हूं। ये यहां पर आए, क्रिएट पर आए, फिर यहां से हमें क्या करना है, अभी तक तो हम फॉर्म डिजाइन करते रहे, ठीक है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे भी अगर आप जाते हैं तो आपको वो तीसरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां से ओके किया और यहां से मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके और फिनिश कर दिया। तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये टेबल वन को मैं डिलीट कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब यहां पे जाके क्रिएट डिजाइन पे जाके और फिर यहां से कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करता हूं और यहां पे ड्रैग करवाता हूं, तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन भी दिखाई पड़ने लगेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको तीसरा ऑप्शन भी नजर आएगा, अदरवाइज आपको तीसरा ऑप्शन नजर नहीं आएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर आप तो बहुत सारे टेबल्स और क्वेरीज बना देते हैं और उसमें दो तीन फॉर्म भी बना देते हैं तब जाके आपका दिखाई पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंगल टेबल मैंने बनाया, सिंगल फॉर्म बनाया, तो भी ये तीसरा ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं इससे प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो जाएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।